हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नई नई कार चलाना सीख रहे हो तो आप अपनी कार का जो फ्रंट जजमेंट है वो किस तरह से कर सकते हो। देखो, अगर आप एसयूवी चलाते हो या फिर जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वगैरह जो होते हैं, मिनी एसयूवी, उनमें अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपको जो बोनेट है पूरा एज तक दिखता है, तो उनमें तो कोई दिक्कत होता नहीं है क्योंकि उतना अंदाज़ा का कुछ वैसे अंदाज़ा होता है, लेकिन आपका काम बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आपको बोनेट का व्यू पूरा दिखता है। लेकिन आई एम श्योर कोई ज़रूर एसयूवी से कार चलाना तो नहीं सीखेगा, है ना। लोग हैचबैक या सेडान वगैरह से ही सीखते हैं। और मैंने कैमरा बिल्कुल आँखों के सामने रख दिया और ये देखो मेरी व्यू, जस्ट हल्का सा बोनेट मेरे को दिख रहा है, एज तक बिल्कुल नहीं, जस्ट यहाँ तक जो बोनेट है इतना तक मेरे को दिख रहा है। तो बाकी जितना बोनेट है पूरे अंदाजे भरोसे चलाना पड़ता है, यो हैचबैक या जो सेडान वगैरह होता है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक नए ड्राइवर अगर हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किस तरह से आप जो जजमेंट है आप अपनी पक्की कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कार से बाहर उतरो, जब आप चलाओगे अच्छे तरीके से कार को ज़रा देखो, एनालाइज़ करो कि कितनी जजमेंट होनी चाहिए। देखो, आप बैठते तो इधर हो, आपका जो फ्रंट सीट है इस पोजीशन पर बैठते हो, इससे आपका कार कितना है ये एक रफ एस्टीमेट एक ले लो, अंदाज़ा, ठीक है, इस तरह से ले लो। फिर देखो सामने दीवार पे हम ले जाएंगे, एकदम सटा के लगाएंगे इस तरह से। इधर फिलहाल क्लच वच का कुछ दिखाने का फ़ायदा नहीं है, मेन जो है कितना भगाना है कार को सामने। अभी स्टार्ट कर देते हैं, अंधेरा है इसलिए माफ़ करना, लेकिन सबसे बढ़िया जगह यही लगा दिखाने के लिए। अब देखो, सोचो कि मैं एक लेमैन हूँ, नया नया सीख रहा हूँ। इसमें लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, समझे, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खुद में नहीं लाना एकदम शुरू शुरू। जब प्रो ड्राइवर बन जाओगे आदत हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक जजमेंट आपको आ जाएगी। लेकिन शुरू में ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपको लगता है कि हाँ और जाएगी और निकल जाएगी, इस तरह से क्या होता है ठुक जाती है कार। ज़्यादातर नए ड्राइवर के साथ यही होता है, इसीलिए हमेशा कार की जो लेंथ है उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। मतलब सोचो कि कार की लेंथ ज़्यादा है लेकिन आप सोच रहे हो कि कम है निकल जाएगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल एक सेफ साइड पे चलना है। देखो कार आगे ले गए, अब देखो सामने ये दीवार है, सोचो मैं नया ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ तक कॉन्फिडेंट हूँ, समझे, अब मेरे को लग रहा है कि आगे ठुक सकती है कार, तो क्या करना है, हवाबाजी करके और आगे नहीं ले जाना है दिखाने के लिए कि हाँ भाई जजमेंट मेरी शाबाश, बढ़िया जजमेंट है, ये सब नहीं करना, उतर के एक बार देख लो, समझे। जिस वक्त कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है कि लगता है कि हाँ और नहीं जाएगी, तुरंत उतरो, आके पहले देखो कितनी जगह बची है, इस एंगल से देख सकते हो इतनी जगह बची है, ये जो एक्सट्रीम है या इतनी जगह कार की बची है, और यही जग ये जो स्पेस है इतना तक सेफ डिस्टेंस माना जाता है। इससे और अगर आगे ले जाओ, अगर प्रो ड्राइवर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी नहीं ले जाना चाहिए, एक्सट्रीम केसेस में ले जाना चाहिए, जैसे कि एकदम जो टाइट पार्किंग सिनेरियो होते हैं उन्हीं में करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, समझे। इस तरह से देख लिया, इस तरह से होती है फ्रंट जजमेंट। मेन टिप यही है, जिस वक्त कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, लग रहा है कि बस और नहीं जाएगी, तुरंत उतर कर देख लो, अंदर से और आगे नहीं करना, ठुक सकती है, समझे। और एक बार अगर ठुक गई तो फिर जो रिग्रेट होता है ना, जो दुख होता है कि यार ठुक गई, उस दुख की वजह से ज़्यादातर लोग कार फिर कभी नहीं चला पाते, इतना बुरी तरह से कॉन्फिडेंस लॉस होता है। अब देखो इसमें फ़िलहाल पार्किंग लाइट्स ऑन है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक हेडलाइट ऑन करके अगर आप एक दीवार पर सटाते हो या फिर किसी कार के पीछे आमतौर पर रात में, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। क्यों दिखाता हूँ, पहले थोड़ा पीछे ले लेते हैं ब्रेक डाउन, हो गया। अब देख लो, मैंने ये हेडलाइट है अपना, ये जलाया, इससे क्या होता है, हेडलाइट की जो आप बीम देख सकते हो, ये जितना आपके मतलब नीचे जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखो इसके भरोसे इजी हो जाता है थोड़ा, इससे आपको समझ में आता है कि मतलब हेडलाइट कितनी इंटेंसिटी से पड़ रही है, बोनेट के कितना करीब है। इसमें देखो, पता नहीं कैमरे में क्या व्यू आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा इजी रहता है,
ये देख लो, आई होप पहले वाले से भी ज़्यादा बढ़िया जजमेंट हुआ होगा इस बार विथ हेडलाइट। ये देख लो, जस्ट उंगली घुस रही है, अभी तक कार टच नहीं हुई, देखा, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट प्रो जजमेंट। जस्ट एक उंगली बराबर गैप है हेडलाइट से, इजी हो गया। आपको कैमरे में लग रहा होगा कि यार कार ठुक गई है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया एक उंगली घुस रही है, समझे, कार ठुकी नहीं है। इस तरह से आपने क्या कर लिया, उतर के आप देख चुके हैं, एक सेकंड लाइट बंद कर देते फालतू में, आप उतर के देख चुके हैं कि हाँ इतना तक मैक्सिमम कार जा पाएगी। इसके बाद क्या करना है, अंदर घुस के पहले इधर देखना है, समझे, ये जो आप पोजीशन देख सकते हो कैमरे के सामने, ये कितना है, इसको मन में रजिस्टर कर लेना है, समझे, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर आप किसी कार के पीछे या फिर दीवार के पीछे इस तरह से लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कार अगर इस पोजीशन में है, मैं इतना दूर बैठा हूँ दीवार से, तो ये अपनी एग्जैक्ट जजमेंट पोजीशन है। तो और तो फिलहाल कुछ बताने को है नहीं, सिंपल टॉपिक था यही है, इससे ज़्यादा क्या बताएं, फालतू में वीडियो को लंबा करके कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और ऐसी वीडियोज़ अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना।